राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी के पुत्र रोहित जोशी पर 23 वर्षीय एक लड़की ने शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार करने के आरोप लगाए हैं। मामले में उत्तरी दिल्ली के पुलिस ने 0 FIR दर्ज कर मामले को माधोपुर के पुलिस अधीक्षक को ट्रांसफर कर दी है, क्योंकि पीड़िता के साथ पहली बार वहीं पर दुष्कर्म किया जाना बताया गया। पीड़िता का आरोप है कि रोहित जोशी ने उसके साथ कई बार बलात्कार किया। उसने उसकी मांग में सिंदूर भरकर कहा, अब तुम मेरी पत्नी हो गई हो और हम जल्द ही शादी करेंगे। इसके बाद वे उसे हनीमून पर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया गया। आरोप है कि जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसका गर्भपात भी करा दिया गया। दिल्ली के सदर थाने में दर्ज FIR में पेशे से पत्रकार पीड़िता ने कई संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि उन दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। धीरे धीरे जान पहचान बढ़ी और दोनों नजदीक आ गए। पीड़िता के अनुसार गत वर्ष 8 जनवरी 2021 को रोहित उसे सवाई माधोपुर लेकर गया था। वहां उसने उसे नशीली चीजें खिलाकर उसके साथ बलात्कार किया। इस दौरान आरोपित ने उसकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो भी बनाई। इसी के बल पर वह उसे निरंतर ब्लैकमेल करता रहा। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि रोहित अपने पिता के मंत्री होने का रौब झाड़ता था और कहता था बदमाशों और माफियाओं से उसके कनेक्शन हैं। वो पुलिस से नहीं डरता। आरोप है कि रोहित ने पीड़िता और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी देते हुए कहा था कि मंत्री का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पीड़िता अगस्त 2021 में जब प्रेग्नेंट हो गई तो उसने इस संबंध में आरोपित को बताया तो दोनों के बीच काफी विवाद हो गया। उसके अगले दिन आरोपी ने पीड़िता को एक बार फिर वापस अपने दोस्त अजय यादव के दफ्तर में बुलाया और उसके साथ मारपीट की। यही नहीं, उसके साथ जबरन उसका गर्भपात भी कराया गया। इसके बाद भी वो नहीं रुका और 3 और 4 सितंबर 2021 को दिल्ली के होटल सम्राट में उसके साथ बलात्कार किया गया। फिर पिछले महीने 17 अप्रैल 2022 को भी उसके साथ हैवानियत की गई। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि रोहित आए दिन शराब पीकर जबरदस्ती उसका बलात्कार और मारपीट करता रहा। इस मामले में मंत्री महेश जोशी ने कहा कि मुझे सत्य और न्याय पर भरोसा है, पुलिस इस पर निष्पक्ष जांच कर सच्चाई का पता लगाएगी। गहराई के साथ में और सत्य के साथ में उसकी जांच करें। ये प्रकरण हो चाहे कोई और प्रकरण हो, मैं हमेशा न्याय और सच्चाई के साथ रहूंगा। मैंने कहा ना, मैं तो अभी मुझे उतना ही पता कानून को अपना काम करना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। निश्चित रूप से मैंने कहा ना, मैं सत्य और न्याय के साथ रहूंगा। लेकिन सर एक सवाल ये होता है कि 0 FIR दिल्ली में दर्ज हुई, अब वो पीड़ित पक्ष की तरफ से तो ये दावा किया जा रहा है कि बहुत रिसोर्ट है, लेकिन ये भी बात सामने आ रही है कि भाई कुछ डिमांड भी घर से की जाए। क्या कुछ मेल है, क्या जा रही है अभी कुछ भी समझ देखिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, आपकी जिम्मेदारी बनती थी, आपको कोई FIR की बात पता चली, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, आपने जनता तक वो बात। अब इसमें बजाय कयासबाजी के मीडिया से आए, पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए। सर पीड़िता का आरोप है कि राजस्थान में न्याय नहीं मिला तब उसे दिल्ली जाना पड़ा। मैंने कहा ना, अभी मैं कुछ भी नहीं कहूँ, मुझे बात का इतना पता जितना आपने बताया। क्या हो रहा है भाई? और मुझे विश्वास है पुलिस न्याय करेगी, गहराई में जाएगी और सच्चाई का पता लगाएगी। सर ऑपोजिशन पार्टी आपसे, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मेरे को जितना कहना था मैंने कह दिया। मैं पूरा जीवन न्याय के सच्चाई के साथ रहा हूँ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.